है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हंडिया पोष अमावस्या के पावन पर्व पर आज पुण्य सलीला माँ नर्मदा के हंडिया एवं नेमावर नर्मदा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान का पुण्य फल प्राप्त किया। नर्मदा स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा रिद्धनाथ एवं सिद्धनाथ महादेव का पूजन अर्चन कर दरिद्र नारायण को अन्न व फल का दान किया। वहीं ग्राम पंचायत हंडिया द्वारा रिद्धनाथ घाट एवं सड़क घाट पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था नहीं करने से महिला श्रद्धालुओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नर्मदा घाटों पर उमड़ी भारी भीड़ के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 59A पर बार बार जाम की स्थिति बनती रही। जवाबदार रहे नदारद। अमावस्या पर हंडिया के सभी घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा स्नान करने पहुंचे। ऐसे में राजस्व एवं पुलिस विभाग का कोई भी जवाबदार अधिकारी या कर्मचारी घाटों पर दिखाई नहीं पड़ा। होमगार्ड विभाग के अधिकारी व जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ यातायात व्यवस्था में लगे हुए नजर आए। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। अमावस्या पर्व के अवसर पर आज श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ और ये सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए होमगार्ड से जिला सेनानी के नेतृत्व में ये नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर व्यवस्था लगाई गई है एवं अधिकारी कर्मचारी जवान लगभग 30 अधिकारी कर्मचारी जवान की ड्यूटी में आपदा उपकरणों की लगाई गई है। नर्मदा नदी के रिद्धेश्वर घाट पर बोट एवं सभी आपदा उपकरणों से तैनात टीम तैयार है तैनात है और नर्मदा घाट पानी की टंकी घाट लछोरा जलोदा सीपानेर और गोंदा घाट पर भी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी जवान मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईबीएन 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।